1985 में फरवरी की एक सुबह लीबिया का एक लियरजेट 35 प्राइवेट प्लेन भूमध्य सागर के ऊपर अपनी उड़ान भर रहा है। ट्रिपोली से डमास्कस के लिए निकले इस निजी विमान में 14 अरब नागरिक सवार हैं, जो सीरिया से लीबिया एक इजराइल विरोधी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए थे, और अब वापस लौटते समय भी इनके बीच केवल एक ही टॉपिक के ऊपर बातचीत चल रही है, इजराइल की तबाही। तबाही जिसका विचार मात्र ही इनके मनों को खुशी से भर रहा है। अरे मोसाद तो अब एक मजाक बन चुकी है। काली चाय के घूंट भरते हुए प्लेन में सवार एक अरबी ये कहता है तो उसके बाकी के साथी आमीन आमीन कहते हुए हाँ में सिर हिलाने लगते हैं। अपना चाय का कप नीचे रखते हुए ये आदमी आगे कहता है, पिछले एक साल में हमने दुनिया भर में इसराइलियों को निशाना बनाया है, मोसाद ने क्या उखाड़ लिया। मैं तो कहता हूँ कि अगर आज इसराइल की सारी सुंदर औरतें कहीं गायब हो जाएं तो ये मोसाद बंद ही हो जाएगी। इस आदमी की ये बात खत्म होते ही ये प्राइवेट जेट हंसी के ठिठोलों से गूंजने लगता है कि तभी अचानक दो F-15 आसमान में कहीं से प्रकट होते हैं और इस प्लेन को दोनों तरफ से दबाना शुरू कर देते हैं। एक सेकंड पहले तक जोर जोर से हंस रहे इन 14 अरबियों की नजरें जैसे ही F-15 की टेल्स पर पड़ती हैं, इनकी यह हंसी मातम में बदल जाती है। ये दोनों F-15 फाइटर प्लेन्स इजरायली थे। कुछ क्षण पहले तक मोसाद का मजाक उड़ाने वाले नरबियों का रंग पीला पड़ जाता है और घबराहट के मारे पसीने छूटने लगते हैं। अभी 4 महीने पहले बिल्कुल ऐसे ही एक इजरायली F-15 ने टूनिशिया में स्थित PLO के हेडक्वार्टर्स को खाक में जो मिला दिया था। इस प्राइवेट जेट की दाईं तरफ उड़ रहा F-15 अपने पंखों को ऊपर नीचे झुकाने लगता है। ये प्राइवेट जेट के पायलट के लिए एक इशारा था कि चुपचाप हमारे पीछे पीछे आओ। इस इशारे के ठीक 5 सेकंड बाद बाईं तरफ वाले F-15 की कैनन से गोलियों की एक झड़ी निकलती है और लियर जेट में सवार सभी अरबी अपनी अपनी सीटों के नीचे छिपना शुरू कर देते हैं। ये फायरिंग प्राइवेट जेट के पायलट के लिए एक चेतावनी थी जो कह रही थी कि रेडियो को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। लीबिया के रजिस्ट्रेशन वाले इस प्राइवेट जेट में सवार कुछ आदमी रोना शुरू कर देते हैं तो कुछ अपने दोनों हाथ ऊपर उठा कलमा पढ़ने लगते हैं। अभी कुछ सेकंड पहले तक ये 14 अरबी जिस मोसाद का मखौल उड़ा रहे थे उसी मोसाद ने आसमान में हाथ डालकर इनको अपनी मुट्ठी में दबोच लिया था। नमस्कार, जय मां भारती। ये दोनों F-15 फाइटर्स इस लीबियन प्राइवेट प्लेन को उत्तरी इजराइल के एक मिलिट्री बेस पर लैंड करने के लिए मजबूर कर देते हैं, जहां मोसाद के टॉप मोस्ट इंटरोगेटर्स पहले से ही अपने इन 14 अरबी मेहमानों का इंतजार कर रहे थे। असल में मोसाद को इंटेलिजेंस मिली थी कि PLO के मोस्ट वॉन्टेड अबू निडाल और अहमद जिब्रील इसी प्लेन में यात्रा कर रहे होंगे। यही कारण था कि मोसाद ने बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल में एक ऐसे डेयरिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया था। लेकिन जैसा कि अक्सर एस्पियोनाज की दुनिया में होता है, ये इंटेलिजेंस भी गलत थी। इन 14 आदमियों में से किसी का भी नाम इजराइल की फाइलों में नहीं था, इसीलिए कुछ घंटों तक पूछताछ करने के बाद इन 14 के 14 अरबी नागरिकों को अपने प्लेन में डमास्कस वापस जाने की अनुमति दे दी जाती है। जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ये 14 अरबी नागरिक अपने मन में यही सोचते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। इनको लग रहा था कि हमारी जान भी बच गई और मोसाद के हाथ कुछ लगा भी नहीं, लेकिन ये लोग बिल्कुल गलत सोच रहे थे। असल में कुछ ही घंटों की पूछताछ में मोसाद ने यह ताड़ लिया था कि इन 14 आदमियों में से किसको PLO से गद्दारी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, किसको इन्फॉर्मर यानी कि अपना डबल एजेंट बनाया जा सकता है। और मोसाद के इंटेरोगेटर्स ने इन कुछ ही घंटों में एक ऐसे आदमी को मार्क भी कर लिया था, एक आदमी जिसका इस्तेमाल कर मोसाद अपने एक ऐसे मिशन को पूरा करने वाली थी जिसमें कई सालों की मेहनत के बाद भी वो अभी तक सफल नहीं हो पाई थी। पिछले काफी समय से इसराइल लंदन में स्थित सीरिया की एम्बेसी को बंद कराने के हर संभव प्रयासों में लगा हुआ था। इसराइल लगातार ब्रिटिश सरकार से शिकायत करता आ रहा था कि इस सीरियन दूतावास की मदद से PLO द्वारा इसराइल और उसके नागरिकों पर होने वाले अटैक्स की प्लानिंग की जा रही है। अभी कुछ समय पहले ही IDF की स्पेशल फोर्सेज ने एटा वेरियस नामक एक कार्गो जहाज को भूमध्य सागर में जल समाधि दिलाई थी। इस ऑपरेशन में PLO के 20 आतंकी मारे गए थे जबकि 9 जिंदा पकड़े गए थे। आतंकियों के अलावा इस जहाज में
इतना असला बारूद मौजूद था कि एक छोटी मोटी बटालियन कई हफ्तों तक युद्ध लड़ सकती थी। मोसाद की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार इस सीरियन जहाज में सवार आदमी तेल अवीव के तट से अंदर घुसते हुए IDF के हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले थे। मोसाद के अनुसार इस ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग अबू निडाल ने की थी और लंदन में स्थित सीरियन दूतावास ने उसको हर संभव मदद पहुंचाई थी। यही कारण था कि उस समय के मोसाद चीफ नहुम अदमोनी ने इस सीरियन दूतावास को बंद करने और इसके सभी राजनयिकों को लंदन से तड़ी पार करवाने के लिए कोवर्ट ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया था। लंदन में बेस्ड टॉम लेवी नाम का एक बिजनेसमैन अपनी मीटिंग्स के लिए अक्सर हिल्टन होटल की रेस्टोरेंट बार में आता रहता है और इसी बार में एक आयरिश लड़की भी काम करती है जिसका नाम है एन मैरी मर्फी। अपने देश के हजारों लाखों लोगों की तरह एन मैरी भी एक सुनहरे भविष्य की तलाश में अच्छा पैसा कमाने आयरलैंड से लंदन आई थी, लेकिन सुनहरे भविष्य के नाम पर उसको बस हिल्टन होटल में एक चैम्बर मेड की नौकरी ही मिल पाई थी। उसका पूरा दिन इस 5 सितारा होटल के कमरों की सफाई करने में निकल जाता था और शाम बार में बैठे अमीर लोगों को शराब पिलाने में। ये क्रिसमस भी परिवार से दूर गरीबी में अकेले ही मनाना पड़ेगा। अपनी आंखों में नमी और मन में उदासी लिए एन मैरी ये सोच ही रही होती है कि तभी उसकी आंखों के सामने एक हैंडसम सा अरबी आदमी प्रकट होता है। महंगा सिल्क का सूट और टाई पहने ये अरबी युवक एन मैरी को देखकर मुस्काने लगता है। वो भी पहली नजर में ही सांवले नौजवान को अपना दिल दे बैठती है और दोनों के बीच प्यार शुरू हो जाता है। इन दोनों की ये प्रेम कहानी उसी हिल्टन होटल की बार में शुरू हो रही थी जहां टॉम लेवी नाम का वो बिजनेसमैन आया करता था। टॉम लेवी, इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि ये ही वो नाम है जो इस प्रेमी जोड़े की जिंदगी के साथ साथ पूरे यूरोप में भूचाल लाने वाला है। ये सांवला अरबी युवक जिसे एन मैरी अपना दिल दे बैठी थी, इसका नाम था निजार हिंदावी और ये उन 14 लोगों में से एक था जिनके प्लेन को फरवरी में इजरायली F-15 ने जबरदस्ती लैंड करवाया था। त्रिपोली से डमास्कस जा रहे उन 14 अरबियों में से मोसाद ने जिस आदमी को अपना इन्फॉर्मर बनाने के लिए मार्क किया था वो हिंदावी ही था। मोसाद के साइकोलॉजिकल प्रोफाइलर्स के अनुसार हिंदावी बहुत ही शौकीन मिजाज रखता था। वो एक प्ले बॉय और जुआरी भी था। उसे ज्यादातर पैसे की तंगी रहती थी और अगर उस पर नजर बनाकर रखी जाए तो वो खुद ही मोसाद के लिए कोई ना कोई उपयोगी अफसर प्रस्तुत करने वाला था। इसीलिए लंदन में रहकर PLO के लिए काम करने वाले हिंदावी पर नजर रखने का जिम्मा उसी बिजनेसमैन को सौंपा गया था जिसकी आंखों के सामने हिंदावी और एन मैरी की लव स्टोरी शुरू हुई थी। असल में टॉम लेवी व्यापारी के भेस में मोसाद का एक अंडरकवर एजेंट था और लंदन में ऑपरेट कर रहे कई डबल एजेंट्स का हैंडलर भी। हिंदावी और एन मैरी को करीब आते देख टॉम को आभास हो गया था कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे कि हिंदावी को पैसों की जरूरत पड़ेगी। दुनिया से अनजान भोली भाली एन मैरी भले ही अरबी रीति रिवाजों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन टॉम को अच्छे से पता था कि हिंदावी वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि वो खुद को औरतों के सामने दिखाता है। टॉम लेवी को पक्का विश्वास था कि हिंदावी हरगिज एन मैरी से शादी नहीं करने वाला और वो जल्द ही उसको धोखा जरूर देगा। उधर बुरी तरह एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके निजार हिंदावी और एन मैरी एक दूसरे के साथ खूब समय बिता रहे थे और एन मैरी भी अपने जीवन में पहली बार खुश रहने लगी थी। वो बार बार खुद को चूंटी मार चेक करती थी कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं, क्या वाकई एक ऐसा हैंडसम अमीर लड़का उसको सच में प्यार कर सकता है। लेकिन ये एक सपना ही था, सपना जो एन मैरी सपनों के शहर में खुली आंखों से देख रही थी, सपना जो जल्द ही टूटने वाला था। रोज की तरह आज की रात भी हिंदावी हिल्टन होटल की पार्किंग से एन मैरी को पिकअप करता है, लेकिन आज की इस रात एन मैरी काफी उदास और डरी हुई लग रही थी।
हिंदावी के बार बार पूछने और जोर देने पर एन मैरी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा हिंदावी का है। इससे पहले कि हिंदावी कुछ बोल पाता, एन मैरी उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बच्चे से छुटकारा नहीं पाने वाली। इस पर हिंदावी एन मैरी को गले लगाते हुए कहता है, अरे मेरे दिमाग में तो कोई ऐसी बात आई ही नहीं, बल्कि मैं तो तुमसे शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। एन मैरी का दिल रखने के लिए हिंदावी ये सब बोल तो रहा था, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा डर गया था। वो अच्छे से जानता था कि ये शादी कभी भी नहीं हो सकती। जिस समाज से वो आता है उस समाज में एन मैरी जैसी छोटा काम करने वाली महिलाओं को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। वो ये भी जानता था कि यदि ये बात बाहर आ गई या फिर एन मैरी पुलिस के पास चली गई तो PLO में तो उसका करियर खत्म होगा ही, लेकिन साथ ही उसको लंदन भी छोड़ना पड़ेगा। लंदन की रंगीन जिंदगी में रंग चुका हिंदावी सीरिया वापस नहीं जाना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। अब हिंदावी कुछ भी कर एन मैरी से छुटकारा पाना चाहता था। उसे किसी बहाने आयरलैंड वापस उसके घर भेजना चाहता था और इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए अपनी समस्या को ले हिंदावी अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम था अबू। अबू भी लंदन में रहकर PLO के लिए ही काम किया करता था। हिंदावी अबू से कहता है कि यदि वो उसको एन मैरी नाम की इस प्रॉब्लम से मुक्ति दिला दे तो वो उसके लिए कुछ भी करेगा। कुछ भी मतलब कुछ भी। अबू अपने दोस्त को विश्वास दिलाता है कि वो उसके लिए पैसों का इंतजाम कर देगा, जिसके बाद हिंदावी अबू को शुक्रिया बोल वहां से चला जाता है। हिंदावी के जाते ही अबू अपने फ्लैट से बाहर निकलता है और पास के फोन बूथ में जाकर हड़बड़ी में एक नंबर मिलाता है। 3 घंटियां बजने के बाद दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो मैं टॉम लेवी बोल रहा हूँ। असल में हिंदावी का ये दोस्त अबू PLO में मोसाद का डबल एजेंट था और टॉम लेवी लंदन में उसका हैंडलर। कुछ महीने पहले मोसाद को पता चला था कि अबू PLO के बैंक खातों से पैसे चुरा रहा है और इसी जानकारी का इस्तेमाल कर उसे डबल एजेंट बनने पर मजबूर कर दिया गया था। अबू टॉम लेवी को निजार हिंदावी और एन मैरी की सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता डालता है। खुद भी हिंदावी पर नजर रख रहे टॉम लेवी को जैसे ही ये पता चलता है कि हिंदावी पैसों के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट है तो उनकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है और ये चमक एक कोवर्ट मिशन को जन्म देती है। मिशन जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन चैम्बरमेड। इसके बाद अबू और टॉम लेवी लंदन में स्थित मोसाद के एक सेफ हाउस में मिलते हैं, जहां टॉम अबू को $20,000 से भरा हुआ एक लिफाफा थमाते हुए कहता है, 10 तुम्हारे लिए हैं और 10 तुम्हारे दोस्त के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ घंटों बाद अबू इस सेफ हाउस से निकल जाता है और अगली सुबह सबसे पहले हिंदावी से मिलता है। हिंदावी को $10,000 देते हुए अबू उससे कहता है कि इस पैसे से वो एन मैरी से छुटकारा पा सकता है और फिर बड़े आराम से लंदन में अपनी बैचलर लाइफ पहले की तरह जी सकता है, लेकिन इसके बदले में उसे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिसमें वो दोनों ही अटूट विश्वास रखते हैं, इज़राइल का सर्वनाश। 12 अप्रैल की शाम को हिंदावी एन मैरी से मिलने उसके घर जाता है और उससे कहता है कि वो जल्द से जल्द उससे शादी कर इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता है। ये सुनते ही एन मैरी खुशी के मारे रोने लगती है। एन मैरी के आंसू पहुंचते हुए हिंदावी उससे कहता है, हमारी शादी में बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुमको मेरे माता पिता से आशीर्वाद लेना होगा, उसके बिना ये शादी नहीं हो सकती। एन मैरी को विश्वास दिलाते हुए हिंदावी कहता है कि ये एक बहुत पुरानी अरबी परंपरा है जिसे कोई भी बेटा नहीं तोड़ सकता, इसीलिए एन मैरी को इजराइल के एक अरब गांव में जाकर खुद उसके माता पिता से आशीर्वाद लेना होगा। खुद भी एक बहुत ही ज्यादा धार्मिक ईसाई परिवार में पली बड़ी एन मैरी जब ये देखती है कि उसका ये प्रेमी अपनी परंपराओं के प्रति कितना ज्यादा निष्ठावान है तो उसकी आंखों से बह रहे आंसू और भी तेज गिरने लगते हैं। अबू से मिले पैसों में से कुछ पैसे और LL एयरलाइंस का एक टिकट एन मैरी के हाथों में देते हुए हिंदावी उससे कहता है, तुम्हारी फ्लाइट 5 दिन बाद 17 तारीख की है और मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं। अगर मुझे यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम नहीं होता तो मैं भी तुम्हारे साथ जरूर आता। खुशी से फूली नहीं समा रही एन मैरी अगले 5 दिनों में इन्हीं पैसों से अपने लिए खूब सारे नए नए कपड़े खरीदती है और हिल्टन होटल में अपनी वो चैम्बर मेड की नौकरी भी छोड़ देती है। इन 5 दिनों की हर रात वो हिंदावी के साथ प्यार करते हुए बिताती है और सुबह उसके साथ अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखते हुए।
17 अप्रैल की सुबह हिंदावी एन मैरी से कहता है कि उसके ही गांव का एक दोस्त जो लंदन में ही रहता है अपने माता पिता के लिए कुछ सामान घर भिजवाना चाहता है। मेरा दोस्त लंदन एयरपोर्ट पर ही क्लीनर का काम करता है और वहीं वो तुम्हें अपना सामान पकड़ा देगा। एन मैरी भी इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचती और थोड़ी देर बाद हिंदावी के साथ एक टैक्सी में बैठ लंदन एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एन मैरी हिंदावी को कसके गले लगाती है और फिर पीछे देखती हुई डिपार्चर गेट की तरफ चलना शुरू कर देती है, लेकिन लाइन में लगने से पहले ही पलटती है और दौड़कर हिंदावी को एक बार फिर से गले लगा लेती है। अरे जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट छूट जाएगी। जाओगी नहीं तो वापस कैसे आओगी, और वापस नहीं आओगी तो हम दोनों प्यार कैसे करेंगे। ये कहते हुए हिंदावी बड़े ही प्यार से एन मैरी को डिपार्चर गेट की लाइन में धकेल देता है। थोड़ी देर बाद एन मैरी उसकी नजरों से ओझल हो जाती है और वो लंदन वापस आने के लिए एक टैक्सी में बैठ जाता है। एयरपोर्ट पर पासपोर्ट कंट्रोल और यूके सिक्योरिटी को क्लियर करने के बाद एन मैरी एलएल एयरलाइंस के सीटिंग एरिया में जाकर बैठ जाती है, जहां इजराइल के सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसके सामान की जांच करने के बाद उसे एक सीट नंबर असाइन कर देते हैं, जिसके बाद एन मैरी फाइनल डिपार्चर लाउंज में जाकर खड़ी हो जाती है। डिपार्चर लाउंज में खड़ी एन मैरी अपनी खुली आंखों से हिंदावी के साथ एक नई जिंदगी के सपने देखने में पूरी तरह खोई होती है कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ पड़ता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो नीली यूनिफॉर्म पहने एक आदमी खुद को हिंदावी का दोस्त बताते हुए एक बैग एन मैरी के हाथों में थमा देता है और बिल्कुल वैसे ही गायब हो जाता है जैसे वो प्रकट हुआ था। 15 सेकंड बाद एलएल एयरलाइंस के सिक्योरिटी ऑफिसर्स एन मैरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो बैग नीचे जमीन पर रखने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बुरी तरह घबरा चुकी एन मैरी जैसे ही बैग नीचे रखती है, एक ऑफिसर बैग को झपट उसकी जांच करना शुरू कर देता है। बैग के अंदर से विस्फोटक बरामद किए जाते हैं, विस्फोटक जो लगभग 1.5 किलो सेमटेक्स के बने हुए थे। फूट फूट कर रोती हुई एन मैरी स्पेशल ब्रांच और MI5 के ऑफिसर्स को अपनी दुख भरी कहानी सुना डालती है। ब्रिटिश ऑफिसर्स भी समझ जाते हैं कि एन मैरी के साथ धोखा हुआ है और वो खुद एक विक्टिम है। एन मैरी से मिली जानकारी के आधार पर MI5 निजार हिंदावी के सीरियन कनेक्शंस की जांच करना शुरू कर देती है और स्कॉटलैंड यार्ड की स्पेशल ब्रांच उसे ढूंढने में लग जाती है। उधर अगले दिन BBC न्यूज पर यह खबर सुनाई जाती है कि कैसे ब्रिटिश पुलिस ने लंदन एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़े षड्यंत्र को नाकाम कर दिया, षड्यंत्र जिसके तहत 1.5 किलो प्लास्टिक विस्फोटक को एक औरत के बैग में छिपाया गया था। BBC का न्यूज एंकर लोगों को बताता है कि 355 यात्रियों को तेल अवीव ले जा रहा एलएल एयरलाइंस का प्लेन जैसे ही 39,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता, विस्फोटक में धमाका हो जाता। BBC की इस न्यूज रिपोर्ट में एन मैरी के साथ हिंदावी का नाम भी कई बार लिया जाता है। इस खबर को सुनने के बाद हिंदावी नॉटिंग हिल इलाके में बने लंदन विजिटर्स होटल के कमरे में नकली नाम से छिप जाता है। कुछ घंटे बाद उसके इस होटल रूम पर रूम सर्विस की दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने रूम सर्विस नहीं बल्कि स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स खड़े होते हैं जो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। हिंदावी की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही यूके की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर लंदन में स्थित सीरियन दूतावास को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती हैं और सीरिया के सभी राजनयिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने का आदेश दे देती हैं। यूके को फॉलो करते हुए अमेरिका और कनाडा भी सीरिया से अपने अपने राजदूतों को वापस बुला लेते हैं और यूरोप का लगभग हर छोटा बड़ा देश सीरिया के ऊपर किसी न किसी प्रकार के सैंक्शंस लगा देता है। हिंदावी के ऊपर लंदन के क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है। जस्टिस विलियम मार्स जोन्स हिंदावी को दोषी पाते हुए उसे पूरे 45 साल की सजा सुनाते हैं, जो ब्रिटेन के इतिहास की आज तक की सबसे लंबी जेल की सजा है। एन मैरी मर्फी आयरलैंड में अपने घर वापस लौट जाती है, जहां वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। 1998 में दिए एक इंटरव्यू के समय एन मैरी अकेले ही अपनी बेटी को पाल रही थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी कि उसकी बेटी की शक्ल जरा सी भी अपने बाप पर नहीं गई है।